Subscribe to Hot Talk on PSX and enable the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, क्या हाल हैं? सब ठीक है अल्लाह पाक से, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे जी। तो दोस्तों, बात यह है कि आज आपने देखा कि मार्केट का बुल पावर शो, वो बुल पावर शो इस लिहाज से कि मार्केट में इंडेक्स इतना नहीं बढ़ा, आपने देखा 400-500 सिर्फ बढ़ा, लेकिन मार्केट में जो तेजी आपने अंदरूनी खाना देखी है कि इसने आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं, ठीक है, सारी आपके साथ मैं शेयर करता हूं। दूसरे नंबर पे आपके लिए तीन ऐसे स्टॉक रखे हैं जो कि अभी मजीद अपना बुल रन दिखाएंगे और अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बराए मेहरबानी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सबको ये फ़ायदा इसका पहुंचे और हमको तमाम दुआएं दें। तो दोस्तों, बात यह है, देखें मैंने पिछली वीडियो जितनी उठा के देख लें कि जहां पे एक ज़माना चल रहा था पिछले एक दो महीने का कि जी हर तरफ रूमर्स, नेगेटिव खबरें और हर कोई कह रहा था जी मार्केट 30,000 तक जाने लगी है, मार्केट 28,000 पे जाएगी, मार्केट 25,000 पे चली जाएगी, लेकिन आपको मैंने एक ही बात बार बार बताई थी कि मार्केट जितनी मर्जी चली जाए आप लोगों ने माल नहीं बेचना। आज आप मेरा ये अगर मेल बॉक्स देखें, तकरीबन 10,000 से ऊपर मैसेजेस आए हुए हैं और सब लोगों ने यही बात की है कि दुआएं देने, अल्लाह पाक ने जो है ना हमें एक बड़े लॉस से बचा लिया, अगर हमने ये बेचा होता तो हमें आज बहुत ज्यादा लॉस हो जाना था। तो उन लोगों के भी आए हैं जिन लोगों ने दूसरों के कहने पे अपना माल सौदा बेच दिया था और तैयारी करके बैठे थे हम 25,000 पे इंडेक्स आए तो वहां पे बाइंग करें, उन लोगों की वो जो है सर पकड़ के आई बैठे हुए थे कि हमारे साथ हुआ क्या है, किसी को 5 लाख का लॉस, किसी को 15 लाख का, 20 लाख का, वो बार बार ये कह रहे थे कि काश हमने आपकी बात मानी होती और इस लॉस से आज बच जाते। तो मैंने कहा जी मैंने तो देखें सदाएं लगा लगा के आपको कहा था कि होल्ड इज गोल्ड होता है, सब्र करें, अल्लाह पाक पे यकीन रखें, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा, इंशाल्लाह आपका कोई लॉस नहीं होगा। और आज हमारे जो पोर्टफोलियो रेड में थे, अल्लाह पाक का इतना शुक्र है, करम है कि जो 2 महीने में हमारे रेड हुए थे आज हमारे लगा रहे 3 दिन में आधे से ज्यादा जो है वो रेड से प्रॉफिट में आ गए हैं और इंशाल्लाह और 2-3 दिनों में ये ग्रीन भी होंगे सारे और उनमें हम प्रॉफिट भी करेंगे। आधे स्टॉक जो हमारे थे वो ग्रीन में प्रॉफिट टेकिंग भी की है हमने, मजीद कल भी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अभी तक लॉस में हैं, या अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं एक अमेजिंग गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें आपको मिलेगी डेली बाय सेल कॉल्स विद बाय सेल टारगेट, इसकी मंथली फीस है 1,000 रुपीज। उसके बाद हम अपना सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसका नाम है प्रीमियम ग्रुप, इसमें आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप वाली सर्विसेज मिलेंगी, उसके साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज करवाया जाएगा। थर्ड नंबर पर हम आपको अपना लर्निंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z मुकम्मल नॉलेज फराहम की जाएगी और आपको बनाया जाएगा एक बिग प्लेयर। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करें। अब वो लोग जिन्होंने बेचा है वो प्रॉफिट टेकिंग की बजाय खरीदेंगे, हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, तो अगर फिर वो स्टॉक नीचे आते हैं तो क्या करेंगे वो बताएं जरा। तो देखें इसीलिए दोस्तों बार बार आपको बताता हूं क्योंकि इसकी पोजिशन मार्केट की बेहतर है, कोई खराब नहीं है इस वक्त। आपको मैं बता रहा था IMF का भी मसला सॉल्व होने जा रहा है, 10 तारीख को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल पाकिस्तान को मिलनी है, IMF का पैसा आना है, उसके बाद चाइना, UAE, कतर, सऊदीया सबसे पैसा आना है, पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व इस वक्त लो तरीन सतह पे $5 बिलियन पे हैं वो इंशाल्लाह ताला 20 से 25 बिलियन पे जाएंगे और जो $1.3 बिलियन की पेमेंट हमने ये 13 जनवरी को करनी है वो भी आराम से उनके मुंह पे मारेंगे ये पकड़े जी पेमेंट। पाकिस्तान जो है वो किसी की पेमेंट नहीं रखेगा और जितना भी लाइबिलिटीज है इंशाल्लाह टाइम पे कवर करेगा, डिफॉल्ट का भी कोई रिस्क नहीं है, ऐसा मैं बार बार आपको बता रहा था और इंशाल्लाह ताला ये ऐसा ही होगा। और एक चीज और आपको बता दूं कि जब भी किसी भी रियासत पे, घर पे या किसी पे जब बहुत ज्यादा सीवियर मामला आते हैं तो वही टाइम उसका होता है, उसका सपोर्ट का टाइम, वो रियासत या वो एक घराना ऐसे उठता है
कि वो जो है अपनी पिछली भी तरक्की को छोड़ के आगे चला जाता है और पाकिस्तान इस तरह से बहुत ऊपर जा सकता है। इसकी मईशत इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगी और आप देखेंगे स्टॉक मार्केट भी इंशाल्लाह जनवरी फरवरी मार्च में, जो आपको मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो 47-47 इंडेक्स पाकिस्तान का जाएगा। आज देख लें, आज माशाल्लाह मार्केट ने जो है 40,500 के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, फिर उसके बाद बुल रन ने अपनी पावर दिखाई है और 40,800 की रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया है, फिर दोबारा अगेन बुल पावर ने अपनी अगेन पावर दिखाई है और 41,000 का जो नफसियाती लेवल था उसको ब्रेक करने में भी मार्केट कामयाब हुई है। इससे मुराद के पॉजिटिविटी ज़बरदस्त है, वॉल्यूम अच्छे लगे हैं और तकरीबन तमाम सेक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो दोस्तों इंशाल्लाह कल भी हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो भी, और साथ हमारे जो ग्रुप में हम जो बाय सेल लेवल्स भी साथ साथ बताते हैं तो उसमें भी बताया जाएगा कि किस किस लेवल पे जाके आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और दोबारा बाइंग पोजीशन पे आना है। कल भी मार्केट कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी लेगी और आपको मार्केट पॉजिटिव की तरफ भी बुल रन कल भी भागेगा और इंशाल्लाह आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी। तो दोस्तों आज आपके लिए जो इस वीडियो में वो रखे हैं जी तीन स्टॉक, वो कौन कौन से हैं, वो है जी सबसे पहले ATRL अटक रिफाइनरी लिमिटेड, दूसरे नंबर पे दोस्तों है जी वो है जी अपना कोल पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान स्टेट ऑयल। ये देख लें, अब ये स्टॉक अपनी नई बुलंदियों पे इंशाल्लाह ताला जाने वाले हैं क्योंकि पीछे UAE कतर बैठे हैं जो कि बढ़िया इन्वेस्टमेंट हमारी रिफाइनरी में पेट्रोलियम में करने जा रहे हैं और इस वजह से इंशाल्लाह इनमें खातर खा का इजाफा होगा। ठीक है दोस्तों, ये आज की वीडियो थी, बराए मेहरबानी इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ढेरों दुआओं में याद रखिएगा, आपका दोस्त आपका खादिम आपका मोहसिन आमिर शहजाद, अल्लाह हाफिज़।